कि वो सरस्वती वंदना गाएं और हमारे सत्र का उद्घाटन करें। माता सरस्वती कुरु कृपामिह जननी सुमतिं देहि मे करवाणि गुणे गणि गायनम् करवाणि गुणे गणि गायनम् तव मंगलं च विधेहि मे मंगलं च विधेहि मे माता सरस्वती कुरु कृपामिह जननी सुमतिं देहि मे करवाणि गुणे गणि गायनम् करवाणि गुणे गणि गायनम् तव मंगलं च विधेहि मे मंगलं च विधेहि मे प्रभु वाणी वाणी विदारणे चलिताज्ञ ताप महर्निशम् प्रभु वाणी वाणी विदारणे चलिताज्ञ ताप महर्निशम् वरदे दयामयि शारदे वरदे दयामयि शारदे ज्योतिर्नवीनं देहि मे ज्योतिर्नवीनं देहि मे चेतार हमातार शान्तम् श्रूयते हि चतुर्दिशम् चेतार हमातार शान्तम् श्रूयते हि चतुर्दिशम् भूयो निनादय देवीणा भूयो निनादय देवीणा अम्बुषं च विधेहि मे अम्बुषं च विधेहि मे तव मन्दिरे शुभपन्तिये विद्वेष बीज महर्निशम् तव मन्दिरे शुभपन्तिये विद्वेष बीज महर्निशम् मित्रात्माशु विधायते शम् मित्रात्माशु विधायते शम् अति सुप्रीतं देहि मे अति सुप्रीतं देहि मे माता सरस्वती कुरु कृपामिह जननि सुमतिं देहि मे जननि सुमतिं देहि मे। धन्यवाद। धन्यवाद अंजलि जी एक सुरीली सरस्वती वंदना गाने के लिए और इस सत्र को आशा है कि बहुत सुंदर अच्छा सा सुरीला शुरू हो रहा है तो ये अच्छा दिन बीतेगा। मैं अब 13वें सत्र के शुरुआत में पहले सबसे पहले मैं सबको आमंत्रित करना चाहती हूँ और इसमें सबसे पहले मैं अनुपम भटनागर सर को नमस्कार करना चाहूंगी जो हमारे उड़ान के अध्यक्ष हैं। वाहल सर को नमस्कार करना चाहूंगी और हमारे सभी जो गेस्ट हैं आज उनको नमस्कार करना चाहूंगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं बताना चाहूंगी सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। जी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा सॉरी सर आप थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का बार बार ना कहना पड़े। जी 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 सॉरी सर बार बार नहीं कहेंगे आपको आप ध्यान रखिए इस बात का। जी जी सर आप ठीक आ रही है मंजी मैम आप ठीक आ रही है मंजी मैम आवाज ठीक है। मैं विनती करना चाहूंगी कि सभी अपना माइक म्यूट कर लें वीडियो ऑन करके रखें और आर्ट वर्क असाइनमेंट अपने समय पर देते रहें हमारी ईमेल आईडी पे जो हमने आपके साथ शेयर की है और आप लोगों को जो रोल नंबर अलॉट किए गए हैं उनको फॉलो करें। 13वें सत्र के उद्घाटन सत्र में मैं अपने विशेष अतिथि जी का परिचय देना चाहूंगी आगे बढ़ने से पहले।
श्री राकेश मित्तल जी का इसमें हमारे 13वें सत्र में उनका वो उनको मतलब आमंत्रित किया जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री राकेश मित्तल विज्ञान और कानून के स्नातक होने के साथ साथ देश के ख्याति नाम वरिष्ठ चार्टेड अकाउंटेंट है। अपने समाज सेवा के प्रति गहरे रुझान के कारण आपने चार्टेड अकाउंटेंट के रूप में भी अपने लिए एक विशिष्ट फील्ड चुना है। आपने केवल देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्वैच्छिक संस्थाओं यानी कि एनजीओस के अग्रणी विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। श्री राकेश मित्तल जी का स्वागत है। आप सेवा इंटरनेशनल भारत के ट्रस्टी हैं तथा अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में पद अधिकारी हैं। अपने पेशेवर कार्यों और देशाटन के सिलसिले में आप अब तक 70 से अधिक देशों की कई और कई बार यात्राएं कर चुके हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप, अफ्रीका, मध्य पूर्व एवं एशिया उपमहाद्वीप के देश भी शामिल हैं। आपकी बचपन से ही साहित्य, सिनेमा और ललित कलाओं में गहरी रुचि रही है। श्री राकेश मित्तल जी, आपकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इतने व्यस्त प्रोफेशन से जुड़े होने के बावजूद भी आप कला, साहित्य और सिनेमा के प्रति भी पूर्णतः समर्पित हैं। आप एक अच्छे लेखक, ब्लॉगर भी हैं, फोटोग्राफर, पेंटर, गायक और एक अच्छे वादक भी हैं। आप इंदौर स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नामक एकेडमी के निर्देशक भी रह चुके हैं, उनके निर्देशक भी हैं, अभी भी हैं, जो अभिनय, नृत्य, संगीत एवं अन्य प्रदर्शनात्मक कलाओं के संवर्धन के लिए काम करती है। आप भारतीय चित्र साधना के अखिल भारतीय महामंत्री एवं ट्रस्टी भी हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो फिल्मों में भारतीय मूल्य, उच्चतम गुणवत्ता एवं नैतिकता के संवर्धन के लिए कार्यरत है। श्री राकेश मित्तल जी, आप भारतीय चित्र साधना के अखिल भारतीय महामंत्री एवं ट्रस्टी भी हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो फिल्मों में भारतीय मूल्य, उच्चतम गुणवत्ता एवं नैतिकता के संवर्धन के लिए कार्यरत है। आप भारत के 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को, जो कि 2017 की ज्यूरी उत्तर के सम्मानित सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा आप एक स्वतंत्र फिल्म पत्रकार एवं फिल्म समीक्षक भी हैं। पिछले कई वर्षों से आपके लेख, वृतांत, समीक्षाएं आदि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के समय समय पर छपते रहे हैं। राष्ट्रीय समाचार पत्र समूह जागरण प्रकाशन लिंग के स्वामित्व वाले इंदौर के सुप्रसिद्ध दैनिक नई दुनिया में आपने 2 वर्षों से अधिक समय तक विश्व सिनेमा पर साप्ताहिक कॉलम भी लिखे हैं। दिल्ली के अनन्य प्रकाशन द्वारा हाल में ही आपकी पुस्तक भी है, विश्व सिनेमा की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्में प्रकाशित की गई हैं, जो अमेज़न पर बिकने वाली लोकप्रिय किताबों में भी शामिल है। आपकी एक और अन्य पुस्तक है जिसका नाम है सार्थक सिनेमा के सारथी, भी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। आप पिछले कई वर्षों से इंदौर में सिने विजन नाम की फिल्म सोसाइटी चला रहे हैं, जो मध्य भारत की सर्वाधिक प्रतिष्ठित फिल्म सोसाइटी के रूप में जानी जाती है। इसमें आप प्रति माह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्मों का प्रदर्शन कर उन पर विमर्श करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस सोसाइटी के अंतर्गत आप अनेक फिल्म हस्तियों से व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं वार्तालाप कर चुके हैं, जिनमें श्याम बेनेगल जी, गोविंद निहलानी, सई परांजपे, केतन मेहता, प्रकाश झा, नीतीश भारद्वाज, पवन मल्होत्रा, पीयूष मिश्रा जी, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, मानव कौल, रजीत कपूर जी, सौरभ शुक्ला और जयदीप अहलवार जैसे प्रभावशाली नाम शामिल हैं। आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की अनेक समितियों में गैर सरकारी सदस्य के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। आपको समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें प्रमुख रूप से रोटरी इंटरनेशनल का सर्वोच्च पुरस्कार सर्विस अबव सेल्फ, आई रिपीट, सर्विस अबव सेल्फ
तथा चिल्ड्रन चैरिटीज ऑफ यूके तथा चिल्ड्रन चैरिटीज ऑफ यूके द्वारा लंदन में दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल है। इतनी खूबसूरत आपकी जो बायोग्राफी रही है, इतना सुंदर आपका जो डेटा मतलब पूरा हो रहा है। राकेश मित्तल जी आपका स्वागत कि आप यहाँ आए समय निकालकर, और मैं आपको 13वें सत्र में आपका स्वागत करती हूँ और मैं चाहूंगी कि आप हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार, स्वागत है राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अनुपम जी आवाज आ रही है ठीक से? आ रही है जी जी। तो सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय अनुपम भटनागर जी का जो उड़ान के अध्यक्ष हैं, और सुमित मलूजा जी का, विजय वाहल जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप जैसे सुधी श्रोताओं का, दर्शकों का के साथ चर्चा कर सकूं। और उड़ान का बहुत बहुत धन्यवाद उड़ान का, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया है। मित्रों, कला का हमारे जीवन में बहुत बहुत ही बड़ा स्थान होता है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, मैं जैसा कि मेरे परिचय में बताया गया कि मैं एक सीए हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कला और सिनेमा के बिना अधूरा हूँ, क्योंकि कला आपको आपके व्यक्तित्व का बहुत अच्छे से विकास कर सकती है, आपके आपके जीवन के दर्शन को बदल सकती है, आपको बहुत संवेदनशील बना सकती है, और आप में एक अलग तरह की दृष्टि उत्पन्न करती है जिससे कि आपको चीजों को समझने की शक्ति आती है, चीजों को देखने की एक अलग तरह की परिमार्जित समझ विकसित होती है। आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य, अभी अभी मैं जो लोगों को देख रहा था, कोई खैरागढ़ से है, कोई हैदराबाद से है, कोई बेंगलोर से है, कोई बहुत दूर दूर से यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, और मुझे ये बताया गया है कि आप लोग न केवल फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं बल्कि दूसरी फैकल्टीज के भी स्टूडेंट हैं, जो जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे कला से जुड़े हों। मैं खुद अपने आप को कलाकार नहीं कह सकता, लेकिन कला में मेरी बहुत अच्छी बहुत रुचि है, और इसी कारण मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उड़ान जैसी मूवमेंट के साथ आप जुड़े हुए हैं। उड़ान मुझे लगता है कि एक बड़ा क्रांतिकारी विचार है जो शायद विश्व में और कहीं भी इस तरह का मोमेंट मेरी देखने में तो नहीं आया है कि इतने सारे वर्टिकल आप एक ही मूवमेंट के अंडर में हो, जिसमें फिल्म मेकिंग से लगा के फोटोग्राफी हो, थिएटर हो, डांस हो, म्यूजिक हो, विजुअल आर्ट हो, क्रिएटिव राइटिंग हो, इतने सारे मूवमेंट और इतने सारे वर्टिकल एक साथ चल रहे हों, और बहुत छोटे से समय में उड़ान ने अपनी एक विशिष्ट पहचान भारत के अंदर बना ली है। शुरुआती तौर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मुख्य रूप से उड़ान की शुरुआत हुई थी, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और वहाँ के प्रोफेसर्स के साथ मिलके कला के क्षेत्र में अपनी एक पहचान, उड़ान ने बहुत जल्दी अपनी पहचान स्थापित करी। और कोरोना के दुष्प्रभाव तो हम सब लोगों ने देखे हैं, लेकिन उसका एक अच्छा प्रभाव आज हम देखने को मिल रहा है कि हम लोग सब वर्चुअल मीटिंग के अंदर आ चुके हैं। तो वर्चुअल मीटिंग के कारण जो उड़ान की उपस्थिति है, जो कि केवल दिल्ली विश्वविद्यालय तक सीमित थी, आज हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली है, और भारत के कोने कोने से स्टूडेंट्स आज इसके साथ जुड़ गए हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं कि जो इतने सारे 130-140 के करीब मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की वर्कशॉप में, और जो न केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से बाहर अनेक जगहों से पधारे हैं, आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि आप इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, जिसमें कि आप अपने आप को परिमार्जित कर पा रहे हैं कला के साथ, कला के विभिन्न आयामों के साथ। और एक और आप लोगों का सौभाग्य है कि रवि देव जी जैसे इतने अच्छे कलाकार आज हमारे बीच में हैं, और आप हम सबको उनको सुनने का मौका मिलेगा। ये जो आज 13वीं सीरीज है, जो विजुअल आर्ट के पोर्ट्रेट और चारकोल वाले आयाम को मुख्य रूप से केंद्रित करके निर्धारित की गई है, आप ये देखिए कि लॉकडाउन के पीरियड का सबसे अच्छा उपयोग यदि किसी ने किया है तो मुझे लगता है कि उड़ान ने किया है, कि जो इनके सारे वर्टिकल हैं वो उनकी सबकी 14-14 सीरीज की एक वर्कशॉप चल रही है, और ये 13वीं वर्कशॉप है, जिसका मतलब है कि 12 वर्कशॉप ऑलरेडी विजुअल आर्ट फैकल्टी की, विजुअल आर्ट के जो आयाम है उसकी हो चुकी है,
और उसके अलावा जो दूसरे इनके सारे वर्टिकल हैं, जो 9 दूसरे वर्टिकल हैं जिसमें से 8 वर्टिकल जो हैं, उनकी सबकी 14-14 वर्कशॉप की सीरीज अलग अलग जगहों दिशाओं में चल रही है। तो आप सोचिए कि कला को कितनी कितने तरीके से उड़ान ने समृद्ध किया है और कितने लोगों तक ये पहुंच चुके हैं। और छोटे छोटे, चूंकि हमारे पास सीमाएं रहती है कि हम फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से बड़े बड़े अच्छे अच्छे विशेषज्ञ स्पीकर्स को आप लोग लेके आए हैं। और मैंने जो लिस्ट देखी है इनके पुराने स्पीकर्स की अलग अलग वर्टिकल्स में, तो एक से बढ़ के एक स्पीकर यहाँ पे आए हैं और छात्रों को उन्होंने अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से परिमार्जित किया है, उनको लाभान्वित किया है। और आज भी हम लोग रवि देव जी को सुनेंगे और आप में से कुछ छात्रों को भी यहाँ पे सुनेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी उनका, रवि देव जी का के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। तो आप लोग वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हैं और सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, उड़ान को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे आज आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, एक बार फिर आपका शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने पार्टिसिपेंट आज इस वर्कशॉप में आए हैं वो सभी इस वर्कशॉप का बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे और अपने साथ घर में कुछ अतिरिक्त लेके जा पाएंगे जो उनको एक बेहतर कलाकार बनने के लिए अपने आप को परिमार्जित करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए। आपने बताया कि किस प्रकार से कला हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान होता है। कला का, कला के द्वारा ही जीवन का विकास होता है और एक ऐसी दृष्टि विकसित होती है जो वास्तव में हमें सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर करती है। सर, उड़ान अपनी उड़ान भर रहा है और आपका आशीर्वाद रहा तो अपनी उड़ान ये यूं ही भरता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज हमारे साथ उड़ान के अध्यक्ष आदरणीय श्री अनुपम भटनागर जी उपस्थित हैं। सर, अपने आशीष वचन हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को दीजिए। सर अनम्यूट कीजिए। सर, प्रथम मैं राकेश मित्तल जी और भाई रविदेव जी को प्रणाम करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे आग्रह पे आज आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं। राकेश मित्तल जी ने पहले बताया भी कि अभी हमारी आज 13वीं ये वर्कशॉप है और अन्य सभी वर्टिकल्स में हमारी ये वर्कशॉप लगातार चल रही हैं। रविदेव जी हमारे संस्कार भारती में भी अखिल भारतीय स्तर पर अपने मंत्री का दायित्व है आपके पास, क्योंकि आप विशेष रूप से कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपको भी पूरी जानकारी उड़ान के बारे में होनी बहुत आवश्यक है कि क्योंकि इसमें उड़ान में संस्कार भारती के सदस्यों का बहुत सहयोग मिलता है। उनके सहयोग के बिना शायद उड़ान आज इस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाता इतनी जल्दी। माने अमीर चंद जी हों, अभिजीत गोखले जी हों, माने विजय बहल जी, आपको पता ही है दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे रहे और आज उड़ान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसी प्रकार से और जितेंद्र जी, जितेंद्र मेहता जी, तो संस्कार भारती के बहुत से अपने कार्यकर्ता आज उड़ान में कार्यरत हैं। क्योंकि यहाँ पर जब उड़ान की शुरुआत हुई 2016 में, तो नहीं पता था कि हमें क्या करना है और किस, क्योंकि लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स को कैसे जोड़ा जाए कला के क्षेत्र में। तो फिर संस्कार भारती से मेरे को यहाँ पर भेजा गया और फिर मैंने अपने साथियों का उसमें सहयोग लिया। और विजय बहल जी का क्षेत्र क्योंकि आर्ट का था, कला का था, पेंटिंग का था, कार्टूनिस्ट हैं आप मशहूर, तो मैंने विजय बहल जी से रिक्वेस्ट करी कि आप हमारा ये वर्टिकल विजुअल आर्ट का, इसमें 4 आयाम हैं हमारे, उनको पूरा आप देखें। तो मैं उनका आभारी हूँ। पिछले 4.5 वर्षों से लगातार आपके सानिध्य में हमारे चारों वर्टिकल बहुत सुचारू रूप से कार्यरत हैं और बड़े अच्छे नए नए कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं। बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और आगे भी, जैसा कि राकेश जी ने बताया कि हमारे जितने भी यहाँ पर हम फैकल्टीज़ को बुलाते हैं वो एक बहुत अच्छे स्तर के होते हैं। ऐसे नहीं कि हमने किसी को भी बुला लिया और उनसे कहलवा दिया या उनसे कहा कि आप कुछ बताइए बच्चों को। एक बहुत बड़ा अच्छे ऊंचे स्तर के लोगों को हम बुलाते हैं यहाँ पे, चाहे वो अतिथि के रूप में हो, चाहे वो मेंटोर के रूप में हो या फैकल्टी के रूप में।
तो बच्चों आप सबको एक अवसर मिला है उड़ान के माध्यम से। आप लोग जिन लोगों के सानिध्य में आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो आपको उनका लाभ मिलेगा आगे भी हमेशा, और आप उड़ान से हमेशा जुड़े रहें, उनका मार्गदर्शन। इन मीटिंग्स के अलावा भी आपको कभी भी आवश्यकता हो तो आप फ़ोन नंबर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे कैसे आपको और प्रमोशन मिल सकता है, कहाँ आप जाएँ, कहाँ एग्जीबिशंस होती हैं, कहाँ अपने काम को आप लेके जाएँ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मार्गदर्शन उड़ान से हमेशा मिलता रहेगा। और आप जुड़ें, आपके साथी जुड़ें अधिक से अधिक संख्या में, यही हमारी आप सबसे अपेक्षा है। और मैं राकेश मित्तल जी का पुनः धन्यवाद करूंगा, और रविदेव जी अब हमारे मध्य में हैं, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मंजरी जी, आप बिना किसी भूमिका के जल्दी से रविदेव जी को आमंत्रित करें, मेरा आपसे निवेदन है ये, और आगे कार्यक्रम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने एक उड़ान का एक छोटा सा सफर हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के समक्ष रखा है। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे ही बढ़ते रहेंगे, ऐसी हम सबकी मनोकामना है। धन्यवाद सर। अब आज के हमारे कलाकार रविदेव जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनके एक संक्षिप्त परिचय के लिए मैं आदरणीय विजय बहल सर से आग्रह करूंगी कि वो सर का एक बार पुनः परिचय दें। भाई साहब माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट। जी नमस्कार, मैं समझता हूँ मेरे कुछ भी कहने से पहले मेरा दायित्व है कि मैं राकेश मित्तल जी को धन्यवाद दूं। बहुत ही सारगर्भित छोटे समय में बहुत कुछ बातें उन्होंने कही, जो कलाकार नहीं है वो भी कला की कितनी वकालत करते हैं। आज इससे उन लोगों को समझ में आना चाहिए जो कलाकार या कला के क्षेत्र में हमारे छात्र जुड़े नहीं है, उनको भी समझ में आता होगा कि वास्तव में कला के द्वारा कितना कुछ किया जा सकता है, और कला को कला की विधा में न जानने वाले लोग भी कितना कला के बारे में जानकारी रखते हैं और उसके बारे में क्या क्या समझते हैं, लोगों को बताने के लिए तैयार रहते हैं। राकेश मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने चिरपरिचित उड़ान में जो पिछले एपिसोड में भी हमारे साथ थे रवि देव जी के बारे में जैसा मैंने पिछली बार कहा था, उन्होंने अपनी कृति बना करके और वास्तव में जो हमको वापस उसकी फोटोग्राफ भेजे थे और उस फोटो को मैंने छात्रों के बीच में जो प्रदर्शित किया था, वास्तव में वो उनको छात्रों को भी लग रहा है, काफी हमारे पास जो फीडबैक आ रहे हैं कि वास्तव में इतनी देर में इतना अच्छा, इतना चित्र जो लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा अपने पास रखने वाला, ऐसा चित्र बनाने वाले रविदेव जी के हम दोबारा मिल पाएंगे, ये वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली बात है। रविदेव जी जैसा अनुपम जी ने बताया कि बहुत ही प्रख्यात चित्रकार हैं, बॉम्बे से उनका आना होता है, आजकल तो क्योंकि वर्चुअल है तो हम लोग जूम पर ही उनसे मिल लेते हैं, वरना उनका काम देखने में पिछली बार जो हमने देखा था उससे समझ में आता है। और संस्कार भारती जो इसी क्षेत्र में पूरे ऑल इंडिया में काम करती है, उसके मंत्री का दायित्व, अखिल भारतीय मंत्री का दायित्व उनके पास है। इस तरह से बहुत से विधा में जितना भी कुछ हो सकता है वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। हम समाज को शिक्षित करने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ उड़ान के माध्यम से हम एक ये पूरी तरह से अच्छा काम करने में लगे हुए हैं, सीधे उड़ान से छात्रों के मन तक उतरने वाली बात कलाओं के माध्यम से। तो इसी क्षेत्र में रवि देव जी पूरी तरह से पारंगत हैं, आज हमारे बीच में पुनः हैं, और आज उनको ने जो विषय हमें बताया था वो पोर्ट्रेट इन चारकोल, पेंसिल से, काली पेंसिल से, चारकोल से पोर्ट्रेट कैसे बनते हैं, इस विधा के बारे में बताने की बात थी। मैं रविदेव जी और आपके बीच में ज्यादा समय न लेकर रविदेव जी का स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि पुनः हमारे छात्रों के बीच में रह करके अपना कार्य संपादन। रविदेव जी नमस्कार। नमस्कार। उड़ान के आवाज आ रही है सबको? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल आ रही है। विजय जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, गूंज रही है आवाज। टे ऑफ कर त्याचा साउंड ऑफ कर बरं। हाँ बोलून बघ जरा। विजय जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो
जी 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 आ रही आवाज आ रही है। आप अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। रविदेव जी अब आवाज बंद हो गई आपकी सर। रविदेव जी अनम्यूट कर लीजिए। नहीं नहीं क्या हो गया कि मैंने मोबाइल भी शुरू किया है और अच्छा। क्योंकि शूटिंग करना है ना तो उस समय मैं बात करूंगा। ठीक है मैं अभी लैपटॉप से बात करूंगा। राकेश जी मित्तल जी का बहुत अच्छा प्रबोधन मुझे सुनने को मिला। परसों भी हमारे जो एनएसजी के डायरेक्टर उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला और आज के उड़ान के माननीय अध्यक्ष अनुपम भाई विजय जी और सारे कला अनुरागी और कला साधक आज हमारे बीच में प्रवीण सैदी मेरठ प्रांत के चित्रकला संयोजक आसाम प्रांत से हेमंत साहू जी भी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ और जितने भी दिल्ली और अन्य पूरे देश में भर से जितने भी कला साधक आज मेरा प्रात्यक्षिक देखने के लिए उत्सुक है उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। परसों हमने वाटर कलर लैंडस्केप ये इसका प्रात्यक्षिक देखा था और आज आपको मैं चारकोल माध्यम से एक पोर्ट्रेट बनवाकर दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन और काम करते समय आपको मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आपके प्रश्न भी आएंगे तो मुझे ऐसा लगता कि मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रात्यक्षिक शुरू करूं और आप उसका आनंद लीजिए और मैं अनुपम जी से करता हूं कि मैं अपना काम शुरू करता हूं। धन्यवाद। आप शुरू करिए भाई साहब। हेडफोन घालतो Thank you.
अनुपम जी आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। चारकोल का ये करोगे, मेरे हाथ में जो चारकोल है आप देख रहे हैं, यहाँ भी मैंने ये लिखी है। कैमरा आपका कैमरा ऑफ है शायद? हाँ कैमरा रविदेव जी आपका कैमरा देखिए, ये बंद कर देते हैं। हाँ अब आ गया, आ गया ना? हाँ जी ठीक है। अरे ये बंद कर, ये पूरा बंद कर। जी हेलो, हेलो जी, जी हाँ हाँ जी जी मैंने काम शुरू किया, थोड़ी तकनीकी कारण से माफी चाहता हूँ, लेकिन अभी कोई बात नहीं, दिक्कतें आएगी। और ये चारकोल माध्यम जैसे पेंसिल सॉफ्टवेयर वाटर कलर्स एक्रेलिक अलग अलग माध्यम गोश कलर्स ऐसे अलग अलग माध्यम जैसे पेंटिंग में रहते हैं, वैसे एक चारकोल एक बहुत अच्छा माध्यम है। जिनका चित्र बन रहा है सामने है क्या? हाँ है सामने है, मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ। इनका नाम है मेरे भांजे है अथर्वदेव, बहुत अच्छे बांसुरी वादक, वो भी कलाकार है। और जुड़वे मेरे जुड़वे भांजे है, और वो अभी लंदन से फिल्म एडिटिंग का कोर्स पूरा करके आए है, और आज हम उनको हमने मॉडल बिठाया है और गए 7-8 साल से वो बांसुरी सीख रहे हैं। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि तो एक स्केच चारकोल के माध्यम से हम निकाल रहे हैं। और दीपक जी फुल स्क्रीन आ सकता है क्या? अब हाँ दीपक जी फुल स्क्रीन हो सकता है क्या? फुल हो सकता है सर, हो सकता है। रविदेव जी का करिएगा जरा तो क्लियरिटी होगी। और मंजरी जी थोड़ा होस्ट मुझे जरा बना दीजिए। आज इस चित्र के माध्यम से एक और उसमें माध्यम सॉफ्ट पेस्टल का मैं यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैंने ग्रे टिंटेड पेपर लिया है और इसका एडवांटेज भी हम लेते हैं काम करते समय। और अब ठीक है, बहुत बढ़िया है। सर साथ साथ आप प्लीज इसकी प्रोपोर्शंस भी बता दो। हाँ हाँ देखिए, जब पोर्ट्रेट हम पेंटिंग करते हैं तो
हमें रेगुलर स्केचिंग करना चाहिए, और जब फिगर ड्राइंग का काम करते हैं तो उसका जो प्रोपोर्शन है वो आपको थोड़ा सभी कलाकारों को थोड़ा एनाटॉमी का जो अभ्यास है वो करना आवश्यक है। और एनाटॉमी मतलब मेडिकल में एनाटॉमी करते हैं वैसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो प्रोपोर्शंस है हेड के और आँख के कैसे क्या क्या रहते हैं, तो वो एनाटॉमी बुक में बहुत अच्छी तरह से भी लिखे हैं। लेकिन ये जो मैं कर रहा हूँ वो जब काम करता हूँ तो मैं पहले मॉडल को, जैसे मैं आज आपको डेमोंस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, तो मैंने कल रात को एक मेरे पति का भी पोर्ट्रेट निकाला था जिसमें वो पोर्ट्रेट मैंने प्रैक्टिस के लिए कि जो कल मुझे दिखाना है आपको आज दिखा रहा हूँ तो उसका कैसा होगा, क्या डेमोंस्ट्रेशन, कौन से माध्यम यूज करने वाला, तो उसका मैंने पहले स्टडी किया है। अभी ये जो मैं यूज कर रहा हूँ ये चारकोल है, इसमें ब्लैक और बैकग्राउंड में ग्रे है। प्रोपोर्शन वाली जो आपने बात कही है कि हेड का जो प्रोपोर्शन है वो कम से कम 7.5 टोटल हाइट अगर फिगर की देखें तो 7.5 ऐसा हमारा प्रोपोर्शन फिगर का रहता है, और हर एक एक प्रोपोर्शन का एक प्रमाण रहता है। विदेश के जो लोग रहते हैं बोले अफ्रीकन लोग अमेरिकन लोग, उनका प्रोपोर्शनेट बहुत थोड़ा अलग रहता है, मतलब उनके जो फिगर का जो हाइट है और हमारे भारतीय लोगों का उसमें थोड़ा फर्क रहता है। तो ये जो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, उस समय में अगर बनाना है तो कम से कम अच्छा पोर्ट्रेट या डिटेलिंग काम करने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए, लेकिन कम से कम समय में हम एक अच्छा स्केच कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिगर ड्राइंग जब हम करते हैं तो जो जिस फिगर का हम काम, जिस फिगर मॉडल बिठाया है तो उसका थोड़ा सा जो ऑब्जर्वेशन, उस फिगर की हाइट कितनी है, कैरेक्टर क्या है और स्किन कलर कैसा है, उसके आँख के ये कैसे है, तो ये सारे जो विषय वो बेसिकली पहले हमें निरीक्षण करना आवश्यक है, और उसके बाद ये हम उसको काम के लिए शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली स्केचिंग जो रोज करते हैं करना चाहिए, वो तो आवश्यक है। जिनको अच्छा पोर्ट्रेट बनाना है, फिगर ड्राइंग करना है, कौन सा भी काम करना है तो उसके लिए रियाज आवश्यक है, इसलिए रोज कम से कम आपने काम करना है। परसों भी मैंने कहा था, तो ये बहुत सारा अपने काम के ऊपर, जितना आप रोज काम करेंगे तो उतना आपको जो आपका जो काम है वो अच्छी तरह से आप कर सकेंगे। तो ये मैं अभी सारा ब्लैक के ऊपर काम कर रहा हूँ, और इसका जो शेड एंड लाइट है आप देखेंगे कम से कम, मेरे ख्याल से आपको शूटिंग ठीक दिख रहा है ना, डिटेल्स? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। ये मैंने यहाँ एक छोटी पाउडर भी रखी है यहाँ पे, जो चारकोल से ही बनाई हुई पाउडर है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ। और ये मॉडल पे आप देखेंगे तो येलो लाइट है, बाजू में एक छोटा सा लाइट मैंने लगाया है, और ग्रे व्हाइट एंड येलो ऐसा कॉम्बिनेशन मैं यूज करने वाला हूँ। अभी मैंने ये सॉफ्ट पेस्टल लिए है, इसका मैं यूज कर रहा हूँ, और लाइटनेस भी महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे जैसे आप काम करते हैं तो उसका कैरेक्टर लाने के लिए उसकी जो खूबियाँ है वो भी आपको
काम करते समय समझनी पड़ेगी तो ही लाइकनेस आता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप स्टिल लाइफ सारे जो विषय है ये अब जब हम करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब काम करते समय आप इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हम व्यावसायिक स्तर पे पोर्ट्रेट के ऑर्डर्स लेते हैं वो करते हैं लेकिन हमारा जो फिगर ड्राइंग है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे अनेक सब्जेक्टिव पेंटिंग पे संकल्पना चित्र जिसके बोलते हैं तो वो हम करने कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था बाद में भी दिखाऊंगा कि ऐसे पोर्ट्रेट का इम्प्लीमेंटेशन विषय लेकर हमें करना आना चाहिए क्योंकि हमारे भारत में इतने अच्छे विषय है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे विषय के ऊपर जैसे फिल्म बनती है वैसे पेंटिंग्स भी बनना आवश्यक है ऐसा मुझे लगता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वो वास्तववादी काम करने वाले आर्टिस्ट जितने होने चाहिए बहुत काम है लेकिन वो काम करने वाले आर्टिस्ट भी बहुत कम है तो वो मुझे ऐसा लगता कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छे काम करने वाले भी तरुण लोग हैं अभी मुझे ऐसा लगता है कि उड़ान जैसी संगठन ऐसे ही काम करती कि ऐसे कलाकारों को खोजना और उनको मंच देना मैंने सारे उनके कार्यक्रम भी देखे हैं और इससे ही अच्छे अच्छे कलाकार एक मंच पर जब आते हैं तो और इस लॉकडाउन के पीरियड में तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़ा योगदान है कला का देश भर में जितने भी मैं देख रहा हूँ कि कार्यक्रम जो कर रहे हैं संगीत नाटक हो नृत्य हो साहित्य हो चर्चा सत्र हो कवि सम्मेलन हो ये सारे विषय और उसमें संख्या भी बढ़ रही है लोगों की लोग बहुत आनंद ले रहे हैं और मुझे ऐसा लगता कि समाज की जो आज की जो मानसिकता है गए 4-6 महीने लॉकडाउन है तो उस माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि कला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कला का योगदान और जैसे उड़ान का भी ये 14वां सत्र है जिसमें मैं डेमोंस्ट्रेशन दे रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो समाज को एक आत्मविश्वास निर्माण हो जाता है कि समाज के अंदर कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो ये मेरे दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ मराठी में एक साहित्यिक है वो बोलते हैं कि आदमी घर चलाने के लिए नौकरी करता है वो तो होगा ही लेकिन कला ऐसी चीज है कि वो आदमी को कैसे जीना है वो सिखाती है। बहुत महत्वपूर्ण अच्छी बात उन्होंने कहा कही कि कैसे जीना है ये कला सिखाती है हमें तो मुझे ऐसा लगता कि कलाकारों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है समाज की इसलिए कलाकार को बहुत महत्व देना आवश्यक है क्योंकि उनके पास जो कला रहती है वही समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आपके कोई बहुत सुंदर
ये मैं यूज कर रहा हूँ, ये स्टंप उसको बोलते हैं, कागज का बना हुआ है, उसमें हम टोन्स भी निकाल कर सकते हैं और उसको टेक्सचर भी लाइन जैसे बना सकते हैं, उसका एक अलग इफेक्ट आ जाता है। ये ग्रे जो पेपर है उसका मैं एडवांटेज लेने वाला हूं। एक अच्छा येलो लाइट जो है उसका भी मैं भी दिखा रहा हूं। सबको ठीक दिख रहा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, रेपरी करते समय भी जो बेसिक महत्वपूर्ण जो फोल्ड्स है उसको मैं यहाँ पे ले लूंगा।
प्रात्यक्षिक देना ये भी एक कला है, और मुझे ऐसा लगता कि ये जब हम काम करते हैं तो वो भी एक, कोई भी स्टूडेंट हो जब वो काम करते हैं तो वो भी प्रात्यक्षिक होता है, उसके पीछे लोग जब खड़े रहते हैं देखने के लिए उनको भी एक दिशा मिल जाती है कि ऐसा चित्र बनता है। क्योंकि परसों भी मैंने जैसे कहा कि लैंडस्केप ये ऐसी कला है कि जो लोगों को मतलब कला को कैसे देखना है इसका एक प्रबोधन उसको मिल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम आउटडोर भी पोर्ट्रेट कर सकते हैं, जब हम बाहर जाते हैं तो स्केचिंग करते हैं, और आपको भी अनुभव आया होगा जो कलाकार है जो रेगुलर स्केचिंग करते हैं तो उनको भी ये अनुभव आता है कि जब वो स्टेशन पे जाते हैं कभी कभी। परसों मैंने ये उदाहरण दिया था कि जब स्केचिंग के लिए हम शुरुआत करते हैं तो लोग देखते हैं तो कलाकार के प्रति एक उनका आदर भाव रहता है तो जगह देते हैं। ऐसा भी अनुभव है कि बैठने के लिए जगह नहीं रहती लेकिन जब हम चित्रकला का काम शुरू करते हैं तो लोग स्वयं बोलते हैं कि अरे बैठो बैठो हमारा भी चित्र निकालो आप कलाकार हैं। और जहाँ पे 3 लोग बैठते हैं वहाँ पे भी आपको जगह कर देते हैं, ऐसा भी अनुभव हमें आता है। समाज के अंदर कलाकार के प्रति एक बहुत आदर का भाव है तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि हमारा व्यवहार कैसा हो ठीक पद्धति से होना चाहिए। केवल हम कलाकार है इसलिए कैसे भी हो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो अपेक्षित भी नहीं है। और पीछे का आप जो चित्र देख रहे हैं इस स्केच के पीछे वो केशी है, कंस श्री कृष्ण का जो मामा रहता है उसका जो सेनापति रहता है वो उसको लेने के लिए आया है, उसका उसको मारने के लिए भेजा है कंस ने, ऐसा प्रसंग है आपने सुना होगा। तो वो मैंने उसमें दिखाया है और कृष्ण के लिए लेने के लिए आया है गांव में, तो वो प्रसंग है। मतलब पोर्ट्रेट जब हम बनाते हैं तो पोर्ट्रेट के बाद बावजूद ऐसे विषय लेकर पोर्ट्रेट का एडवांटेज ऐसे ले सकते हैं कि ऐसे विषय लेकर हम काम कर सकते हैं। और बहुत सारे विषय हमारे भारत के अंदर है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, जिसके ऊपर हम बना सकते हैं और समाज को इस चित्र के माध्यम से हम दिशा दे सकते हैं। जैसे रामायण के ऊपर सीरियल जो आई है, महाभारत के ऊपर आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कला के माध्यम जो है वो समाज के मनोरंजन के साथ उनका उनको प्रबोधन करना, दिशा देना, ये एक महत्वपूर्ण बात कई अनेक सालों से हमारे देश में चल रही है। और इसलिए हमने कला को अपने जीवन से जोड़ा है, केवल कला कला के लिए नहीं तो कला जीवन से जुड़ी हुई है। तो ये कला हमें, मुझे ऐसा लगता है कि संस्कार देती है और इसलिए हमारे कलाओं का जो जन्म हुआ है वो ऋषि मुनियों ने मंदिरों में किया है। ऐसे हम हमारे जो तज्ञ लोग हैं प्राचीन विषय में जो अभ्यास कर रहे हैं वो बताते हैं कि हमारी सारी कलाएं हैं वो मंदिरों में हुए और इसलिए उसका जो पावित्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिरों में पुराने हमारे सारे आप कहते हैं कि शिल्पकार और जो वक्ता है वो भी मंदिरों में व्याख्यान देते थे और हाँ खाली ये साइज मैंने जो लिया है 22x28 लिया है, थोड़ा बड़ा साइज है इसलिए को देखने के लिए वो अच्छा। और मैं काम करते समय फॉर्म्स देखता हूँ, पहले फॉर्म फिर उसके ऊपर अंदर, मतलब टोटल बेसिक जो बोल्ड काम है वो देखना है। फिर अभी हाथ का मैंने केवल फॉर्म, अभी आप देख रहे हैं कि मैंने हाथ का फॉर्म इसमें डाला है, अभी मैं थोड़ा सा उसमें
डिटेल्स जो है उसके। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। विजय जी आवाज आ रही है? सर आ रही है आपकी आवाज? आ रही है ना? जी सर सब सुन पा रहे हैं आपको। फिगर ड्राइंग करते समय अलग अलग प्रैक्टिसेस होने चाहिए, हाथ का पांव का, ये भी अलग अलग मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो वो भी आवश्यक है डिटेलिंग। या ऐसे जब भी काम करते हैं फुल फिगर तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है वो स्टूडियो, तो रियाज होना चाहिए कि एग्जैक्टली हाथ का, हेड का, कान का, पांव का, सारे जो भी है और इसकी एनाटॉमी कहाँ फोल्ड होता है। इसमें थोड़ा लाइनिंग का मैं टेक्सचर दे रहा हूँ।
पोर्ट्रेट का अभ्यास करते समय बोन्स कहाँ रहते हैं, फोल्ड कहाँ रहते हैं, हमारा हाथ कहाँ फोल्ड होता है, ये सारे विषय अभ्यास के विषय हैं। और ये जब आप करेंगे तो मुझे लगता है कि पोर्ट्रेट करने में उसकी मदद मिलती है। तो एनाटॉमी आवश्यक है उसका अभ्यास करना। ये माध्यम में काम करते समय कितना प्रेस करना है, कहाँ करना है, ये आप जब काम रेगुलर करेंगे तो वो उसे समझ में आएगा। और ये माध्यम से भी दोस्ती होनी चाहिए, जो भी माध्यम में आप काम करना है तो वो दोस्ती होनी चाहिए माध्यम की। इसलिए रेगुलर काम जब हम करेंगे तो मुझे लगता है कि वो कैसा माध्यम है, यूज कैसे करना है, कैसे कैसे सेक्शन में उसका इंप्लीमेंट करना, तो ये सारे विषय इसमें आते हैं। इंदु कपूर पूछ रही है, आप सिखाते भी है क्या? हाँ भाई, सिखाता नहीं हूँ, लेकिन लोग आते हैं या पूछते हैं कैसा करना है, मेरा काम क्या है, उसमें मार्गदर्शन उनको लगता है। इंदु जी पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से, तो मैं वो कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास ऐसे अच्छे कलाकार भी हैं हर विषय के, वो भी मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है कभी भी। लेकिन आपका काम हमें पहले देखना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम बोल सकते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। वैसे इस क्षेत्र में तो जब तक अभ्यास न हो तब तक बात बनती नहीं है, अभ्यास तो रेगुलर अभ्यास चाहिए। लेकिन उसका प्रारंभ जो है वो स्केचिंग से ही होता है, ड्राइंग से ही।
सकते हैं, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। सर ये स्केचिंग तो हमारा आत्मा है, जब हम सही काम, जब तक हम ये काम रोज नहीं करते, रोज रियाज नहीं करते। अभी आज आप YouTube पे जाएंगे तो सारे विषय आपको सीखने के लिए देखने के लिए मिलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से लेकर, लेकिन काम करने रेगुलर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जितना आप रोज काम करेंगे तो जैसा लगता है कि आप कभी आपका आपके काम में वो डेवलपमेंट आ जाएगी। जरूर मेरा फोन नंबर भी मैं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, विजय जी के पास भी है। जी बिल्कुल, आप कभी भी फोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उड़ान के संपर्क में रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल आपस में बातचीत करते रहेंगे, जो भी जैसा चाहेंगे हम लोग बताते रहेंगे। पिछली बार मैंने कहा था, इस बार तो ये कोरोना की वजह से हम ऑनलाइन हैं, अदरवाइज तो हम लोग रेगुलर छात्रों की बिल्कुल बीच में जाकर के सिखाते रहे हैं, वर्कशॉप करते रहे हैं हम लोग। गोयल पूछ रही है ये देखिए, चारकोल में जब कभी मिस्टेक होती है तो उसमें थोड़ा बदल कर सकते हैं। हमारे पास ये एक छोटा सा रबर जैसा है, इससे जैसे हमें इसको निकालना है या हाईलाइट बनाना है तो ये इस माध्यम से हम कर सकते हैं व्हाइट पेपर पे, तो गुंजाइश है। ये रबड़ वो जेल टाइप का है ना जो? हाँ जेल टाइप का है। मैंने एक्चुअली एक प्रोग्राम रखा था पहला, मतलब इस सीरीज में दूसरा पूरा हमारा इसी बात पर था, जो टूल्स होते हैं उसके बारे में हमने इनको सबको बताया था, उसमें इस रबड़ का भी जिक्र किया गया था, हमारे दीपक जी ने किया था। तो रबड़ का है, ब्रशेज कैसे होने चाहिए और नाइफ कैसे होने चाहिए, सारे कुछ हमने उनको बहुत डिटेल में, कागज कौन सा होना चाहिए, सारे उसको हमने डिटेल बताए थे। मैं सिस्टमेटिक तरीके से हमने शुरू किया था। बराबर, अभी मैं थोड़ा सा एजेस सॉफ्ट कर रहा हूँ ताकि जो सेंटर का ये है फोल्ड्स है वो ठीक पद्धति से दिख जाए। तो ये बैकग्राउंड थोड़ा चित्र के लिए, पेंसिल भी एक मतलब हर माध्यम में एक अलग अलग काम करने में अनुभव लेना एक बहुत आनंद का विषय है। वैसे पेंसिल भी बहुत सुंदर माध्यम है और पेंसिल ने भी अच्छे अच्छे चित्र निकाल सकते हैं। और परसों भी हमने संस्कार भारती के माध्यम से सेल्फ पोर्ट्रेट ये विषय दिया था और कम से कम 150 कलाकारों ने उसमें भाग लिया और अपने स्वयं के पोर्ट्रेट घर में बैठ के उन्होंने बहुत सुंदर, और केवल सेल्फ पोर्ट्रेट है तो अलग अलग इम्प्रेशंस अपने उन्होंने हमें करके भेजे थे। तो एक अलग मतलब कलाकार कैसे विचार करता है जब हम विषय देते हैं, अभी हमने विषय दिया सेवा विषय दिया है और सेवा के विषय के ऊपर भी बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र लोगों ने निकाले हैं। तो कलाकार कैसे सोचता है, एक विषय दिया तो कैसा सोचता है और वो चित्र के माध्यम से समाज को दिशा दे सकता है। हमारे एक चित्रकार है जो कार्टून बनाते हैं, तो उन्होंने एक बहुत मतलब जो सलीम अली थे ना बर्ड के जो, सलीम अली जी, तो जब वो गुजर गए तो बहुत सुंदर उन्होंने कार्टून तैयार किया था। सलीम अली की एक जो केबिन है वहाँ पे उनको उनके चश्मा जो है वो दिखाया था और चश्मे के ऊपर वो कौवा बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि अभी
हमें देखने वाले जो आंख थे वो अभी गुजर गए, मतलब बहुत ही सुंदर चित्र वो उन्होंने निकाले, वो चश्मा के अंदर से दिख रहा है कि अरे हमें देखने वाले आंखें अभी नहीं रही। कमाल कमाल। हाँ तो ये जो बहुत ही चित्रकार की जो अभिव्यक्ति है, उसका जो 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 ये है विचार है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, वो अपने समाज के अंदर एक दिशा दे सकती है। ऐसे अच्छे अच्छे चित्र, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चित्रकला जो विषय है कि अपने जो आप देख नहीं सकते वो चित्रकार आपके सामने उसके माध्यम से दिखा देता है। हाँ, अभी प्रपोर्शन का जो है विषय, जब हम काम करते हैं पोर्ट्रेट का, तो उसकी जो केवल पोर्ट्रेट का अंदर का नहीं करते, तो मैं निगेटिव उसका जो फॉर्म है, सिंपल फॉर्म आप सामने देखते हैं, तो उसका जो चेहरा है, उसके टोटल बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है, और मैं कहाँ बैठा हूँ, उसके आई लेवल कहाँ है मेरी, उसके आई लेवल के नीचे क्या है, ऊपर क्या है, ये सारा मैं निरीक्षण करता हूँ काम करते समय, और धीरे धीरे उसका प्रपोर्शन करते समय हाइट कितनी है, हाथ कैसा जाया गया है, और टोटल जो एंगल है उसके, वो एंगल चेक करता हूँ, और ये जो बाहर की स्पेस है उसको हम उसको निगेटिव स्पेस बोलते हैं, उसका भी विचार करना पड़ता है। अभी देखो मैंने ये कंपोज जो किया है, लाइट यहाँ से आ गया है, यहाँ से मैंने स्पेस रखी है, तो ये कंपोजिशन का भी विचार हम करते समय करना आवश्यक है, और कंपोजिशन से भी चित्र का प्रभाव बढ़ जाता है। और प्रोपोर्शन वाले के लिए जो मैंने पहले ही कहा था कि जो एनाटॉमी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब तक हम एनाटॉमी का अभ्यास नहीं करते धीरे धीरे, और इसे पोर्ट्रेट जिनको अच्छा करना है तो उन्होंने स्टिल लाइफ से शुरू करनी चाहिए, स्टिल चित्र ये पोर्ट्रेट की शुरुआत है, और हमारे घर में जितने भी स्टिल्स मतलब स्टिल लाइफ के लिए जो वस्तु है, नेचर है या घर के जो कपड़ा है, ये सामने रख के हम पहले अभ्यास कर सकते हैं, जिससे हमें हमारा अभ्यास हो जाता है 3D का, 3D थ्री डायमेंशन पर्सपेक्टिव, फिर ये जो है वो हमें पोर्ट्रेट के लिए आवश्यक होता है, तो ये फर्स्ट स्टेज है। जहाँ तक बात हो रही प्रोपोर्शन की, तो मुझे लगता है कि आप जितना अभ्यास करेंगे आपके निगाह में वो प्रोपोर्शन अपने आप सेट होने लगता है। और एक होता है कंपैरेटिव स्टडी होती है कि हाथ से सर कितना छोटा है और सर से हाथ कितना बड़ा है, हाथ से उंगलियां कितनी बड़ी हैं, ये अपने आप ही प्रोपोर्शन सेट होने लगता है जब हम देखते हैं उस चीज को। और जहां तक आप विषय की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इलस्ट्रेशन वर्क जो है उसमें विषय बड़ी जल्दी पकड़ में आते हैं, क्योंकि मैंने जब जागरण में हुआ करता था तो एक मैगजीन का इलस्ट्रेशन हमारे पास था, तो इलस्ट्रेशन में ही सारे फिगर, कौन सी किस कहानी पर फिगर बनी हुई है, उस फिगर उस कहानी का उसके चेहरे पर क्या असर हो रहा है, ये हमको रीड करना पड़ता था। तो वो इलस्ट्रेशन वर्क में जो है वो सब्जेक्ट जो है बहुत ही रिफ्लेक्ट होता था पर। और जितना कुछ भी आपने प्रोपोर्शन की बात हो रही हम लोग कर रहे हैं, अभी आपने भी जैसा बताया कि जो हमारा चेहरा है चिन से लेकर के और बाल के ऊपरी हिस्से तक, हम इसको एक यूनिट मानते हैं, और इस यूनिट के इंडियन हिसाब से, इंडियन भारतीय हिसाब से 7.5 एक यूनिट हो गया सर, चिन से लेकर के हेड तक, और उसके बाद नीचे टो तक पैर तक 7.5 हिस्से में डिवाइड होता है। जो सर का हिस्सा है वो पूरे 4 हिस्से में डिवाइड होता है, एक में बाल आते हैं, एक में फोरहेड आता है, एक में आईब्रो से लेकर नोज तक आता है, और चौथे में नोज से लेकर के चिन तक आता है। इस तरह की मोटा मोटी जो है वो प्रोपोर्शन रहता है। तो इस तरह से हम लोग जो है, अच्छा जो लोग अभ्यास करते रहते हैं उनके लिए प्रोपोर्शन नापना जरूरी नहीं होता है, वो तो देख के ही समझ जाते हैं कि कौन सी चीज को कितनी बड़ी लगनी है। अब कभी कभी हम लोग बताते हैं कि परफेक्ट आदमी बैठा हुआ अगर सामने, तो उसका प्रोपोर्शन तो हम समझते हैं कि 1/7.5 के हिसाब से होगा, लेकिन कोई ऐसा भी हो सकता है जिसमें नीचे का पोर्शन उसका छोटा है, ऊपर का बड़ा है, या गर्दन बड़ी है, तो प्रोपोर्शन उसमें हमें अपने हिसाब से रखना पड़ता है। और ये सारा कुछ अभ्यास पे डिपेंड करता है, जितना हम अभ्यास करेंगे, स्केचिंग करेंगे, जैसा आपने भी बताया कि घर से कपड़ों से या इस तरह से स्टिल लाइफ से शुरू करना पड़ता है, तो हम लोग उसको मेमोरी ड्राइंग बोलते थे। मेमोरी ड्राइंग से कोई चीज देखिए और उसके बाद हम उसको बैठ के बना रहे हैं,
तो इससे हमारी मेमोरी भी शार्प होती थी इस मेमोरी ड्राइंग से, और दैट्स कॉल्ड ड्राइंग एन एक्सपीरियंस। इस तरह हम लोग एक्सपीरियंस कर करके फिर ये सारी चीजें समझ लेते थे। अभी हम भी एक दूसरा अभ्यास देते हैं कि हम आउटडोर स्केचिंग करना आवश्यक है रेगुलर फिगर के साथ अन्य, और हर सप्ताह में हम एक एक विषय लेंगे, तो मतलब जैसे प्राणी लेंगे, हर पूरा हफ्ते भर प्राणी का स्केचेस करना है, घर में करो या बाहर करो, ऐसा बाहर करो, ठीक है। तो हर एक विषय लेकर पुराने मंजिल जो मकान है उसका स्टडी करना है, ऐसे अलग अलग विषय हमने तय करना है और उसके माध्यम से इससे हम लोग कोई फील्ड छोड़ते नहीं है, हर पर्टिकुलर आइटम भी जो है वो आपका अभ्यास हो जाता है ना, अभ्यास हो जाता है ना, ये ऐसे क्योंकि है ना पता नहीं कहाँ कौन सी चीज मिल जाए स्केच करने के लिए। बराबर, नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गया, बिल्कुल सामने बैठे ही लग रहा है, थ्री डायमेंशनल इफेक्ट आ रहा है पूरा बैकग्राउंड से भी। मुझे लगता है कि ये अभी बहुत ठीक आपके सामने डेमोंस्ट्रेशन रख रहा हूँ। नहीं नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इतना तो ये जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ वो थोड़ा जो पेंटिंग में रहता है ना कि थोड़ा टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट, इसका जो हार्ड एंड सॉफ्ट, जैसे हम ये हाईलाइट देखने के लिए मैंने ये एज है उसको मर्ज किया ताकि ये बीच में वाला दिखे, तो ये सारे अभ्यास के विषय हैं। और कुछ मतलब हम फोटोग्राफी में जैसे करते हैं कि आउट ऑफ फोकस और फोकस, ये जो विषय है वो कैसे करते हैं कि वो हमारे पास लेंसेस रहती है, तो पेंटिंग में भी है इसकी मजा जो है वो जो सुंदरता है उसमें रहती है कि कुछ बातें हैं उसको आप मर्ज कीजिए, कुछ बातें हैं जो हार्ड रखिए, और हार्ड एंड सॉफ्ट ये करते करते आपको एक परफेक्शन भी दिखाइएगा। परफेक्शन, हाँ परफेक्ट, हाँ। अभी इनकी जो ड्रेपरी है उसके ऊपर का लाइट और चेहरे पे लाइट, इसका ब्राइटनेस ये अलग अलग है, तो फिर वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो चेहरे का जो लाइट है वो ज्यादा, बेस कलर भी तो अलग अलग है ना दोनों का, और ब्लैक एंड व्हाइट में काम आज मैं क्यों दिखा रहा हूँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट हमेशा करे क्योंकि अपनी टोनल वैल्यूज जो है टोनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, जब आप कलर काम करते हैं तो कलर में हम केवल कलर में घुस जाते हैं, लेकिन विदेश के जो चित्रकार है उनका आग्रह रहता है कि आप जब काम कलर में करते हैं तो जब हम कलर लेते तो हम कलर जब रखते हैं कैनवास पे तो हम टोनल वैल्यूज का सामने लेके टोन का विचार ज्यादा करते हैं, तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट काम करना बीच में आवश्यक भी है, और इससे हमारी टोनल वैल्यूज का भी स्टडी हो जाता है और ये बहुत आवश्यक है। मेरे ख्याल से विजय जी समय होगा तो हम यही रुकते हैं, हाँ, और मुझे अच्छा लगा सबकी साइन करके, मैं मेरा ये जो डेमोंस्ट्रेशन है वो समाप्त करता हूँ। वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। मेरे सामने बैठे हुए मेरे भांजे हैं, वो पढ़ेल के लिए मैंने उनको बुलाया था, वो यहाँ पे आ गए, इसके लिए उड़ान की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं वो तो मैं करूंगा सर, बैठे तो आपने बनाया ना। और एक बात और मैं बता दूं, आज का डेमोंस्ट्रेशन जो आपने किया है उसकी सफलता के पीछे मुझे मालूम है कौन है,
समझता है टीचर, कहते ना एक महिला जरूर होती है। हाँ, एक महिला है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सफल डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार भी आपसे मैंने बात करी थी रवि जी से, तो आपका बिल्कुल हमारी तरफ से, उड़ान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कितने कम समय में कितना खूबसूरत स्किट सर, वाकई में कलाकार कलाकार ही होते हैं। आपको मेरा करबद्ध प्रणाम सर। हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जैसे कलाकारों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद, आपको धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं है सर, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब समापन सत्र के लिए मैं अपने मेंटर आदरणीय श्री विजय वहर जी को आमंत्रित करती हूँ। रविदेव जी से, रविदेव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पिछली बार वाटर कलर में काम किया था और आज उन्होंने जिस तरह से चारकोल में काम किया है। पिछली बार उन्होंने नेचर दिखाया था, नेचर की प्रकृति को रंग कर दिखाया था, आज उन्होंने बिल्कुल ह्यूमन बॉडी को किस तरह से प्रोपोर्शन के साथ करते हैं सारा दिखाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बातों बातों में उन्होंने भी बहुत अच्छी बात करी और हमारे राकेश मित्तल जी ने भी काफी कुछ कहा। जो हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं उनके लिए आज का विषय, आज का दिन काफी सार्थक रहा मैं समझता हूँ, कि उन्होंने जीवन से जोड़ने की सारी बात जो कलाओं को करी है वास्तव में वो बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। मैंने पहले भी कहा था कि चाहे वो चित्रकला के विद्यार्थी हों या न हों, जो नहीं है उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि जो चित्रकला के विद्यार्थी उनको तो सारा कुछ बताने वाले समझाने वाले बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो इस समय चित्रकला के विद्यार्थी नहीं है लेकिन हमारे इस कार्यक्रमों में आ रहे हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और बैठ रहे हैं, हर बार आते हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए ज्यादा जानकारी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, कला जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल देती है। आज के माहौल में जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदलने की बात है। दृष्टिकोण बदल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा क्या है, खराब क्या है, बुरा क्या है। ये बारी अभी भी हमारे पास एक एपिसोड और भी है, उसमें भी हम लोग फर्दर बात करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में हमारे राकेश मित्तल जी ने जिस तरह से बात बताई है कि वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं लेकिन फिर भी कला के बारे में कितना ज्ञान रखते हैं और चित्र साधना के वो जनरल सेक्रेटरी हैं, इसके मतलब जो दिखाई देते हैं उससे ज़्यादा कुछ वो हैं चार्टर्ड अकाउंट के बाद भी, तो एक अच्छी बात रही। और वास्तव में जन सामान्य के लिए, पिछली बार मैंने कहा था, हम ये बोलते हैं कि कलाएं संस्कृति की संवाहिकाएं हैं। पहले लोक कलाएं हुआ करती थी, संस्कृति हम बताते हैं घर घर हुआ करती थी, सब संस्कारित हुआ करते थे। आज कलाओं का क्षरण हो रहा है, तो जब संवाहिकाएं ही क्षरण हो रहा है उनका, तो वास्तव में कलाओं का क्षरण तो होना ही था, संस्कृति का क्षरण। लेकिन हम उड़ान के माध्यम से और संस्कार भारती अपने माध्यम से जो काम कर रही है उससे हम उस क्षरण को रोकना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों के घर तक, लोगों के दिमाग तक पहुंचना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि कलाओं में वह शक्ति है जो आपको मार्गदर्शन, आपका मार्गदर्शन कर सकती है। कलाओं के द्वारा पेशेंस एंड ऑब्जर्वेशन डेवलप करना, ये हम मानते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ये दो चीज़ें बहुत काम करती हैं और कलाओं के माध्यम से इन दोनों चीज़ों का बहुत ही विकास किया जा सकता है जरूर, क्योंकि हम लोगों के बीच में एक धारणा बन गई थी कला मीन्स ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, ड्रामा, ऐसा नहीं है, इससे ज्यादा भी बहुत कुछ है जो कला के विद्यार्थी नहीं है उनकी समझ में आने वाली बात है। हम लोग समय समय पर इस बारे में पुनः बात करते रहेंगे और मिलते भी रहेंगे, जब कभी मौका लगेगा मिलेंगे, लेकिन इस तरह से मैं समझता हूँ कि उड़ान के माध्यम से कि हमारे एपिसोड अपने अस्ताचल की तो ओर जरूर है, लेकिन ये अस्ताचल दूसरे किसी कार्यक्रम के लिए पूर्वाचल भी होने वाला है, मैं समझता हूँ कि उसका प्रारंभ भी होगा। और सच मानिए, आप लोगों ने जिस तरह से हम लोगों के साथ मिल करके जिस तरह से अपना इंटरेस्ट शो किया है, बताया, और हम लोग भी समझ पाए कि आपके बीच में काम करना कितना जरूरी है, तो हम लोग समय समय पर भी आगे मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगला कार्यक्रम हमारा जो 1 तारीख को होने वाला है उसके लिए सूचना आपको फौरन मिलेगी। हम ये भी मान लें कि हमने जो एग्जीबिशन की बात करी है, आप जितने लोग भी देख रहे हैं उन्होंने अपना कार्य हम लोगों को जो हमने आपको मेल बॉक्स दिया है, जो आईडी दिया हुआ है, उस पर अपना भेजते रहें और हम लोग जल्दी ही अपनी
जो एग्जीबिशन है उसकी तारीख की घोषणा करेंगे, उसमें आप सब लोगों का काम जो चयनित किया जाएगा वो उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। हमारा इस बार का जो प्रदर्शनी का कार्यक्रम है उसमें हम गुरु शिष्य इस तरह से लेके चलने वाले हैं, तो दैट आपको ये भी पता चले कि हमने कैसा काम किया है और वास्तव में उसी लाइन में जो हमारे शिक्षक रहे हैं वो कैसा काम करते हैं, दोनों का एक तरह से कंपटीशन चलेगा और फिर आप इस तरह से अपनी जो काम करने की क्षमता है उसको बढ़ाएंगे और हम लोग मैं समझता हूँ अपने कार्यक्रम में अपने उद्देश्य में फलीभूत होंगे। इस तरह से हम लोग कार्यक्रम चलते रहेंगे, हम लोग शीघ्र ही प्रदर्शनी की तारीख की घोषणा करेंगे, अगला प्रोग्राम हमारा 1 तारीख को होगा, उसमें हम लोग दोबारा फिर मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद और अपना कार्यक्रम अपने जो चित्र बना रहे हैं उसको भेजिए। आज राकेश मित्तल जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, अनुपम भटनागर जी हमारे साथ रहे बिल्कुल जो हमारे अध्यक्ष हैं पुराण के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने समय निकाला, और हमारे सुमित मलुजा जी जो इसके संयोजक हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी तौर से, और हमारी टीम में अब मंजरी जी जो हमारी टीम लीडर भी हैं उनका भी धन्यवाद, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। धन्यवाद सर आपका। अब एक औपचारिक धन्यवाद के लिए मैं दीपक जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मंजरी जी, ऑलरेडी बहल सर ने सबका धन्यवाद कर ही दिया है। आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट, आ रही है। फिर भी एक औपचारिक धन्यवाद की फॉर्मेलिटी है उसको मैं पूरा करता हूं, और मैं उड़ान परिवार की तरफ से सर्वप्रथम मैं आज के जिन्होंने सरस्वती वंदना का इतना सुंदर गायन किया है अंजलि वस्ती जी का, पहले उनका धन्यवाद करता हूं, और राकेश मित्तल जी ने अपना मूल्य समय देकर आज का अध्यक्षासन कम्प्लीट किया तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज श्रीमान अनुपम भटनागर जी भी पूरे समय रहे और आपका आपका सानिध्य हमें मिला सर, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बहल जी आपका हमें सहयोग हमेशा मिलता रहता है, आप हमारे मार्गदर्शक हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जो डेमोन्स्ट्रेशन से जिन्हों जिनका हमने देखा और काफी हमने कुछ सीखा है और इन्जॉय भी किया है, रविदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा भी बहुत ही फेवरेट चारकोल और सॉफ्ट पेस्टल मेरा भी बहुत फेवरेट मीडियम रहा है और इसके ऊपर मैं भी बहुत काम करता हूँ। और इसके अलावा जो हमारी उड़ान की जो टीम है मंजरी जी, तृप्ति जी, सुमा जी, रितु जी, उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे खास हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो पूरा समय लगाकर और बहुत तहे दिल से इस हमारे पूरे सेशन में आ रहे हैं और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कुछ ना कुछ नई नई बातें सीख रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग फिर अगले सेशन में हम लोग 1 तारीख को मिलने वाले हैं, 4 तारीख 4 बजे शाम को, और तब तक के लिए हम आज के कार्यक्रम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और हम दोबारा मिलते हैं बहुत जल्दी 1 तारीख। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आज का यही समाप्त करते हैं, अगले कार्यक्रम में हम पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार 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 नमस्कार, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रवि देव जी की इतनी सुंदर कला दिखाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत आभारी हूँ मैं उड़ान का। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया।